उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 2023 के इंटरमीडिएट के लिए प्रायोगिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड सचिव ने बताया कि ये परीक्षा दो चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा 21 से 28 जनवरी और दूसरे चरण की परीक्षा 29 जनवरी से 5 फरवरी तक संपन्न कराई जाएगी। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादनगर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में कराई जाएगी। बोर्ड सचिव ने कहा कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी और परीक्षकों की नियुक्ति आदि की सूचना परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होगी। परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग डीवीआर में सुरक्षित रखनी होगी। इसके अलावा हाई स्कूल की विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रोजेक्ट आधारित परीक्षा के अंक और नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा का ग्रेड और इंटरमीडिएट की नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्त अंकों को प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करना होगा। सचिव ने कहा कि ये कार्य 25 जनवरी तक पूरा करना होगा। इसके लिए 10 जनवरी से वेबसाइट एक्टिव कर दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा 16 से 20 जनवरी के मध्य कराए जाने के निर्देश यूपी बोर्ड सचिव ने दिए हैं। उन्होंने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में कहा है कि समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर समय पर इसे आयोजित कराने की व्यवस्था बनाएं।